अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी मैं अपने रूम में हूँ, तो आज हम इंशाल्लाह जाएंगे फ्लाजल कबेल। फ्लाजल कबेल जो लीवर टाउन लास्ट वीडियो आपने देखी है आप लोगों ने, अगर नहीं देखी तो ये आई बटन में आपको मिल जाएगा, देख लें यार क्या आपका क्या जाना है। तो बात कर रहे थे फ्लाजल कबेल की, तो वो फ्लाज लीवर टाउन से लगभग 15 से 20 किलो के दरमियान में ही फासला है फ्लाजल कबेल का मस्कत को अगर हम जाएँ। तो आज इंशाल्लाह हम फ्लाजल कबेल चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। मैं भी घूमाऊँगा आज फ्लाजल कबेल। बेसिकली मस्कत से जो रोड आता है ना, बतीना हाईवे, ये सारा समंदर के साथ साथ है रोड, तो बतीना हाईवे फ्लाजल कबेल को लगता है। और जो बतीना हाईवे वो आगे जाके सीधा तमा मिलाहा अस्वद और अल वजाजा यूएई की तीनों बॉर्डर हैं उनको जाके टच करता है। लो जी, एक दफ़ा फिर अपने टैक्सी स्टैंड पे आ गया हूँ, अभी यहाँ पे टैक्सी के वेट का। अब इससे नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इस एरिया में चलेंगे, ठीक है ना, शाबी एरिया पूरा देखेंगे। ये बिल्कुल नया एरिया डेवलप हुआ है, गवर्नमेंट ने डेवलप करके दिया हमारी लोगों को। अभी अभी एक टैक्सी वाला गुजर गया मेरी वीडियो बनाने के चक्कर में। लो जी, फाइनली एक गाड़ी आ गई, टैक्सी वाला तो नहीं आया लेकिन लोकलो मानी है कोई, एक टेंशन। वालेकुम लीवा, जी अभी तो मैं लीवा पहुंचा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हम अब टैक्सी लेनी है दोबारा और फ्लाइट जाना है, वो टैक्सी वाले आगे खड़े हैं, उधर से हमने टैक्सी लेनी है। तो जी फ्लज के लिए हमने ले ली है अब टैक्सी, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे फ्लज। ये सारा टैक्सी स्टैंड है। लो जी, फाइनली मैं तो पहुंच चुका हूँ फ्लज। टैक्सी वाले का ना वो दरवाज़ा ख़राब हो गया था, वो खोल नहीं खराब, पाकिस्तानी भाई बड़ा परेशान हो गया हुआ था, ठीक है ना। उसने क्या, उसने सेफ्टी शूज़ पहने हुए थे, उसने उसके सेफ्टी शूज़ उतरवाए हैं फिर पीछे से निकाला है। तो अभी मैं फ्लज पहुँच गया जी। अभी मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है, वैसे घूमना फिरने का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी देखते जाओ। ये ना जो फ्लज एरिया ना ऐसे डेवलप है जैसे पाकिस्तान में तहसीलें नहीं होती, इधर ये ज़रा थोड़ा सा डेवलप एरिया है, ठीक है ना, और जो भी वीज़े के मामला होते हैं ऑफिस इधर बने हुए हैं और होटल जो बड़े बड़े होटल हैं वो भी हैं, हॉस्पिटल है। अभी मगरब की नमाज़ का टाइम हुआ जाता है जनाबी वाली, और साथ ही मस्जिद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे अभी नमाज़ अदा करेंगे तो फिर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। ले जी, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, अभी रोड के ना उस साइड पे जाना है। सर्विस रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए, और ये मेरे पीछे अल-फ्लज शॉपिंग मार्केट, तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह घूमते फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं फ्लज का पूरे एरिया का। आज मुझे पहली दफ़ा टाइम मिला, जब भी मैं आया इधर तो दोस्तों के साथ आया हूँ, गाड़ी पे आया हूँ, तो गाड़ी पे इतना देखने का मौका नहीं मिलता, वो भी किसी की अगर गाड़ी हो ना, तो जब मैं टैक्सी भी खुद किराया दे के आया हो स्पेशली घूमने के लिए, तो फिर मज़े की चीज़ हो जाती है।
ये आई थिंक एक छोटी सी मार्केट है, छोटी सी तो नहीं है, सही तो नहीं, शॉपिंग सेंटर है एक। और इसके साथ ही है जनाबे वाली पेट्रोल पंप शेल का, छोटी छोटी मार्केट नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी मार्केट है। चलते चलते हम एक और मार्केट में पहुंच चुके हैं जहाँ पे KFC भी मौजूद है, KFC डोमिनोज भी था पीछे पंप पे, सारे जितने भी फूड वाले ब्रांड इधर हैं। ये है इबरी, इबरी कहते हैं शायद, इबरी कहते हैं बिल्कुल, पता नहीं क्या कहते हैं, आप वो बता देना, मुझे करेक्ट कर देना सही वाला कमेंट में, ठीक है ना। ये आगे जाने के लिए सहार मस्कत एरिया, ये जो रोड है, जिस ये रोड है इसका नाम है अलबतीना हाईवे। अगर मैं गलत नहीं तो अभी मैं फ्लज में पहुंच चुका हूं दुखियों का होटल पाकिस्तान, तो ये है मेरे पीछे। सिर्फ पाकिस्तानी इधर ही हर खाना खाते हैं, मैंने भी 1 वीक पहले खाया था इधर खाना, अच्छा बनाते हैं, ताज़ी रोटी देते हैं, 24 घंटे सर्विस है। जी बदरल समा पोली क्लिनिक LLC हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेरा ख्याल है वीजे के भी मेडिकल होते हैं, हमने लाइफ लाइन में कराया था पीछे है वो दूसरी साइड पे। मैं काफ़ी चल के आ गया हूँ, अभी इधर से दूर से ना नेस्टो नज़र आ रही है, नेस्टो हाइपर मार्केट, अभी उधर चलते हैं, बड़ी विंडो शॉपिंग करके आते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं था सोच रहा था कि इतनी दूर मैं वॉक करते हुए आ जाऊँगा, बट वजीम साहब अभी स्टैमिना है, अभी पूरा फ्लज एरिया मैं गुजर के आगे आ गया हूँ, ठीक है ना। अब कोई इधर से अंधेरा है सिर्फ, अब अंधेरा नज़र आ रहा है, और आगे नेस्टो मार्केट है, तो उधर से देखते हैं किधर से क्रॉस करना है, क्रॉस करके नेस्टो में चलते हैं। अच्छा ये जो दर्रे हैं ना पानी गुजरने के लिए, इधर से जाना पड़ेगा अब दूसरी साइड पे, वो सामने नेस्टो नज़र आ रही है, आपको दिखा देता हूँ।
ये देखो ये है नेस्टो हाइपर मार्केट। तो अभी हमने जाना है रोड के उस साइड पे, तो ये पानी वाले दरों से होके हुए जाना है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे मैं आ चुका हूँ। ये जो मेरे पीछे आप शॉप्स देख रहे हैं, जो टेलर्स की शॉप है, ये लाइन लगी हुई है। तो बीच में पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और अभी फ्लज लगभग सारा क्रॉस कर लिया, क्योंकि नेस्टो जो है ना वो सारा फ्लज क्रॉस करके है। तो अभी मैंने इस साइड पर पूरा मुकम्मल जाना है, उस साइड पर आगे लुलू हाइपर मार्केट है, लेकिन लुलू बहुत ज़्यादा दूर है, तो उधर आज हम नहीं जाएंगे। अब कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि यूट्यूब चैनल भी अब सब मोनेटाइज हो जाए, आप लोगों की सपोर्ट से ही होना है। तो जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और बेल का आइकन को भी दबा दें ताकि कुमार की नई वीडियो आपके पास आती रहे। फाइनली नेस्टो में मैं पहुँच चुका हूँ। ये है पेट्रोल पम्प, इसके साथ में एक मार्केट है फूड मार्केट, और ये साथ ही आप आगे देख रहे हैं इसको कहते हैं नेस्टो हाइपर मार्केट। तो मैंने लेना कुछ नहीं है, मैंने बस विंडो शॉपिंग करनी है इधर से आज। तो जी नेस्टो के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, क्योंकि नेस्टो के अंदर ना वीडियो अलाउड नहीं है। मैं अभी आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे ना थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है हमेशा से। ये एक लाइट है, चार्जेबल है, और ये इसकी जनाब डब्बी है, इधर बंद हो जाता है इधर से। मेरा हमेशा से ना इंटरेस्ट रहा ये ट्राईपॉड देखने का, माउस देखने का, इस तरह की चीज़ें देखने का ना, तो वो तो इधर है ही नहीं है, मेरा है ना दूसरी साइड पे। इधर इतनी सर्दी भी नहीं होती, ठीक है ना, बस नॉर्मल सी जैकेट चले, लेकिन इधर भाई खूब जैकेटें, हुडीज, स्वेट शर्ट्स खूब आते हैं। सब ये जो जूते हैं ना 2000 से 2200 रुपये का जूता है, 3.9 रियाल। ये हिसाब लगाओ आप, 25 3000 से 2500 ये मेड इन सियालकोट पाकिस्तानी फुटबॉल। भाई साहब ये बच्चों के पाकिस्तानी 1000 रुपये का, अच्छा है, वजनी है।
विंडो शॉपिंग मेरी हो गई। एक दफ़ा मार्केट के अंदर चले जाओ ना, तो मेरी तो विंडो शॉपिंग ख़त्म होने का नाम है। और जिस दिन मैंने रियल में चीज़ लेनी होती है, उस दिन मैं सोच के आता हूँ कि घर से वो चीज़ ली और चले गए, ऐसे ही होना चाहिए। अभी चलते हैं आगे। भाई साहब चलते चलते एक जिम भी नज़र आया, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है व्लॉगिंग के दौरान ना, कि अगर आप लोगों ने व्लॉगिंग करनी है ना, तो बंदे को थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़ती है। मतलब जो बंदा है नहीं, जो बंदा बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, वो भी उसने बोलना है, क्योंकि आप किसी को कुछ बताओगे तो फिर ही ना, तो थोड़ा सा एक्टर भी होना पड़ता है। अभी जी मैं चल रहा हूँ रोड की दूसरी साइड पे। आपने जब शुरू शुरू में मैं एंटर हुआ था फ्लज एरिया में, तो उस वक्त था मैं दूसरी साइड पे, अब मैं दूसरी साइड पे। ये देखें, बिल्कुल आप पुल देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साथ साथ मार्केट है, तो इससे पीछे लगभग मेरा ख्याल है 100 मीटर भी, 100 मीटर से भी कम ना रिहाइश है, रोड के करीब करीब है सारी रिहाइश। और अभी थोड़ा सा आगे जाके लाइफ लाइन हॉस्पिटल आएगा, जिधर मैंने अपना मेडिकल करवाया था। अलबदर है और लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, दो हॉस्पिटल है इधर। उसके बाद वो लेबर ऑफिस है, थोड़ा सा वो आगे है, पीछे रह गया, उधर मैं जा नहीं सकूँगा अब, वो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रह गया, वो भी किसी दिन चक्कर लगा तो वो भी देखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि भाई क्या वो जो सीन मैं कैप्चर कर रहा हूँ वो ठीक है, सही नहीं, नहीं ठीक है, किसी मुख्तलिफ अंदाज में दिखाना चाहिए, क्या चक्कर है, ये ज़रूर बताना आपने। ये है जी लाइफ लाइन हॉस्पिटल, ये गली इधर, ये इधर से बिल्कुल पीछे जाके ना वो वीज़ा का जो मेडिकल होता है ना, इधर होता है, इधर मैंने करवाया था। तो अभी मैं लूँगा यहाँ से टैक्सी और चलते हैं, और आप लोगों ने बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,